सलाम अलैकुम। पाकिस्तान, इंडिया, यूएसए, कनाडा, फ्रांस, इटली, नॉर्वे, बर्मिंगम, साउथ अफ्रीका, तंजानिया, जर्मनी। इसके साथ साथ एक बंदे ने बड़ी ही रिक्वेस्ट की थी कि भाई आप बर्मा का नाम नहीं लेते, तो साथ में हम आज बर्मा को भी ऐड करेंगे, साथ नेपाल, बांग्लादेश, यूएई, सऊदी अरेबिया, जहाँ से लोग मुझे सुन रहे हैं सबको कहेंगे जी अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते और सत श्री अकाल। मैं हूँ जाहिद खान देसी डोज की तरफ से। तो जनाब आला के सबसे पहले तो सब लोग मिल के थैंक यू करेंगे जनाब सलमा यासीन का कि सलमा यासीन ने अपनी तमाम वीडियोस जो भी थी जिनके ऊपर मिलियंस मिलियंस व्यू थे उनको उन्होंने कर दिया है डिलीट। दैट्स मीन कि अल्लाह ताला ने उनको हदायत दी है, अल्लाह ताला ने उनके दिमाग में कोई ऐसी बात डाली है कि मेरी छोटी बहन है सो जैसा भी है इस चीज़ को ख़त्म किया जाए, और उन्होंने पहल की इस चीज़ को ख़त्म करने में। और हमारा भी ये हक बनता है एज ए पाकिस्तानी, एज ए मुसलमान और एज ए भाई कि हम भी इस टॉपिक को ख़त्म करें। और ये दोनों बहनों का अल्लाह ताला इन दोनों को आपस में इत्तफाक दे, जो भी गलतफहमियाँ इनमें थी ये दूर हो जाएं, और ये सब लोग अपने अपने घरों में हंसी खुशी रहें, और हम भी अपने अपने कंटेंट लेके वाईटी के ऊपर आएँ, क्योंकि हमारे पास चैनल्स हैं। ओबियसली चैनल्स सारा यासीन या सलमा यासीन के नाम से तो नहीं चलते, इसके लिए आपको अपना कॉन्टेंट लेके आना पड़ता है, अपना टैलेंट लेके आना पड़ता है। आप सब लोग इस काम में लग जाएँ कि उन्होंने क्या करना है, कैसे अपनी दुकानें चलानी है, कैसे अपने चैनल्स को चलाना है। परेशान कुन बात होगी कई लोगों के लिए, लेकिन कोई बात नहीं। जिनको समझ ना आए, जिन बंदों को समझ ना आए, वो हमसे रابطہ कर सकते हैं, मेरे से रابطہ कर सकते हैं, मोहम्मद उस्मान से रابطہ कर सकते हैं। हम उनको कंटेंट दे सकते हैं कि भाई आजकल ये चीज़ ट्रेंडिंग में है, इसको लेके चलें, तो आपको व्यूज़ पड़ेंगे। गो कि जितने सितारा यासीन के हैश टैग लगा के मिलते हैं व्यूज़, इतने नहीं मिलेंगे, थोड़े मिलेंगे, लेकिन अच्छे हैं। थोड़े से ही ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा से भी थोड़े होते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हर अरूज को जवाल, हर जवाल को अरूज आता है। सोचना ये है कि अभी भी जो कुछ हेटर्स बक बक कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। सवाल ये है कि अभी भी कुछ हेटर्स, बल्कि इंतहाई कमीनी किस्म के, बल्कि कमीने नहीं उस्मान, कमीनी किस्म की ना, कमीनी किस्म की जो हेटर्स हैं, वो जो एक ब्यूटी के नाम से लानत तेरे मुँह के ऊपर, बेशरम औरत, तेरे अंदर हया नाम की चीज़ नहीं है, और बाया लेके तू ऐसे ऐसे बकवास करने बैठ देती है। अब कोसर जनाब बीच में तू लेके आ गई है, कोसर को प्यार नहीं मिला, हमें तो एक मिनट का भी प्यार नहीं दिखा, तुम्हें फील कराए साजिद? यार साजिद को कॉल करना, साजिद को बोलना कि यार वो जोहा जो है ना उसको फील करवाओ। मैं साजिद भाई को बोलता हूँ कि तुम्हें प्यार फील करवाएं, थोड़ी सी तुम्हें तकलीफ होगी लेकिन उम्मीद है कि तुम्हें फील अच्छा हो जाएगा, ठीक है। और शर्म के को नाखन ले, कैसी तू वाह याद किस्म की औरत है, गैरत तेरे अंदर मौजूद नहीं है, यानी कैसी कैसी चीज़ें। वो तुझे कोई और काम नहीं है, तुझे मैं एक साइट बताता हूँ एक्स एन एक्स, उसको सर्च किया कर, वहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के पोजेज होते हैं, वो बनाया कर, अच्छे व्यूज़ आएंगे तुम्हें। हया को हाथ मार। अब अगर वो बहन ने बहन का यानी वो एक दूसरे के ऊपर उन्होंने बात करना छोड़ दी, तू कोसर को है तो कोसर की पुपी लगती है, तुझे निकाह नामा दिखाए वो, तू अम्मा लगती है उसकी, है क्या तू, तेरी औकात क्या है, यानी तेरे अंदर हया नाम की चीज़ ही नहीं है। कभी तुझे निकाह नामा दिखाए, कभी तू हक महर में लिखी हुई है बीच में, कुछ शर्म कर, को हया कर, को अपना कंटेंट लेके अब वो साथ में जिधर गुटके खाने वाला तेरा खामद है उसको बोल के मरे मुझे कहीं लेके चल किसी बीच बूच पे, वहां पर मैं को लोगों को स्विमिंग सिखाऊं, जो तू तो स्विमिंग इंस्ट्रक्टर है ना, एड्डी तू गंदी तालाब दी मच्छी। अच्छा तू वो औरत है जो डुबकी लगा के तालाब के अंदर जाती है और जाकर ना मछलियों को गंदी बातें सिखाती हो कि ये बात करो, इसको तलाक दिलवाओ मछली से, यानी बगैरत कुछ कुछ शर्म कर। तेरी जैसी औरतें तालाब के अंदर जाके, जो एक कहते ना तालाब में एक मछली गंदी होती है, वो तेरी जैसी औरतों की वजह से होती है, वरना सारी मछलियां साफ होती हैं। ये कहावत जो बनी है ना, एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, तू वो औरत है जाकर जो उस मछली को मशरे गंदे गंदे मशरे देती है। सो इंसान बन, तैराकी कर जो तेरा काम है, लोगों के घरों में तैरती हुई मत जा, कहीं से हम जैसे बंदे ने तुम्हें जफा डाल लिया ना तो यकीन कर तुझे ऐसा फ्राई करके खाएंगे तेरी नस्लें याद रखेंगी। अब लोग अगर वो चुप कर गए हैं, वो देखो ना वो जो एक अन्नी खुसरी थी, अन्नी खुसरी कल इमरान खान के ऊपर वीडियो बना रहा था, वो लानत तेरी शक्ल दे, तुम इमरान खान की पता है तुम्हें उसके बारे में क्या वीडियो बना रहे हो, तुझे पता ही नहीं है। अच्छा करंट अफेयर की खबरें लेके आ गया बेटा, कॉन्टेंट ढूंढ। अब सितारा यासीन का टॉपिक खत्म हो गया, सलमा यासीन का टॉपिक खत्म हो गया, शाहिद खान के स्कूल के साथ पंगा लिया ना उसने सोचा कि बड़ी वीडियो चल जाएगी। हाँ सब कह रहे हैं जी, बरल जी सब स्पोर्टर्स का जी हम शुक्रिया अदा करेंगे यहाँ पर, हम बल्कि नाम मेंशन करेंगे स्पोर्टर्स का, नौशीन मुल्तानी है, मरियम फहद है, दिलशाद रिएक्शन वाले हैं, जाजब है, जाजब जिंदगी हैं, इसके अलावा मीराब फातमा हैं,
इसके अलावा बिलो फैमिली ब्लॉग्स हैं, और भी तमीना अंजम ने काफ़ी एफर्ट की है इसमें, ट्रिगर डोज ने की है, मोहम्मद उस्मान ने की है, और आदि भाई ने भी एक दो वीडियो बनाई हैं बड़ी अच्छी। समीरा अजीज़ का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने भी बीच में काफ़ी रोल अदा किया, लेकिन देखें समीरा एट द एंड कुछ भी नहीं निकला इस काम में से, क्योंकि सच जीतता है हमेशा। और आज सलमा यासीन ने वीडियोस डिलीट करके एक अच्छा काम किया, मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और जहाँ तक हेटर्स ने ये बात फैलाई हुई है, अफवाह कह सकते हो आप इसको, कि जी सलमा यासीन की बेटियों को बुरा भला कह रहा, तो हमने तो नहीं बोला, किसने बोला है? यानी खुद से ही कहानियाँ क्रिएट करते हो, नया से नया कोई ना कोई इशू क्रिएट करते हो, कभी ये हो गया कभी वो हो गया। भाई हमने तो आज तक सलमा यासीन को भी कभी बुरे अल्फाज में याद नहीं किया, तो उसकी बेटियां तो हमारी बेटियां हैं, हमने क्यों उसकी बेटियों के बारे में बात करनी है, ठीक है? और कुछ लोगों ने असगर के कोई आईडी बना के धमकियाँ धमकियाँ दे रहे थे कि असगर की भी आईडी फेक थी, वो कोई ऐसी बात नहीं है। असगर साहब को भी समझ आ गई है कि जो मैंने जो प्लानिंग की थी अपनी बीवी के साथ मिल के, नहीं चल पड़ी, नहीं चल सकी, क्योंकि जाहिद खान खड़ा है, जाहिद खान की टीम खड़ी है, ये तो हर बात को पकड़ लेते हैं, उछक लेते हैं, और उनकी बेबसी के ऊपर कभी कभी तरस भी आया कि किस कदर बेबसी के साथ उन्होंने बोला कि जी हम कोई भी प्रूफ देते हैं तो जाहिद खान आप उसको रिजेक्ट कर देते हो, तो क्या मैं ऐसा करूं? मैंने कहा जी हमारी मेरी बहन, आप हमें सऊदीया बुला लें, अगर आपके पास कोई वीडियो है हमें तो दिखा दें जी। तो हमने बोला था कि सलमा यासीन को कि हमें आप वीडियोज़ दिखाएं, उन्होंने बोला ठीक है जी आप सऊदी अरेबिया आ जाएँ, हम आपको दिखा सकते हैं, पासपोर्ट दिखाएँगे। मैंने कहा पासपोर्ट नहीं चाहिए जी, मैं चैट दिखा देती हूँ। मैं कह जी चैट भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं, हमें आप वीडियोज़ दिखाएं। उन्होंने बोला वीडियोज़ नहीं है हमारे पास। फिर उनकी कोई सपोर्टर थी, उन्होंने बोला नहीं वीडियो है मेरे पास है। सलमा को काफ़ी यानी मिसगाइड किया गया था, लेकिन जब हमने उस तरफ भी आए, तो जब मैंने बोला कि जी मैं अपनी फैमिली के साथ वहाँ आ जाता हूँ, समीरा अजीज़ के साथ आ जाएंगे हम, तो अभी तक उन्होंने कोई हमें रिस्पॉन्स नहीं दिया। और कई मौलवियों ने फतवा लगा दिया कि जाहिद खान को सऊदीया का वीज़ा नहीं मिल सकता, इसको टैटू है, यानी नॉन सेंस लोग हैं, ठीक है। और ये मैं आपको दिखा सकता हूँ कि जी आप देख सकते हैं कि हमारी 7 तारीख की अभी भी टिकट्स हमें मिल रही हैं, ठीक है, हमें 7 तारीख की टिकट्स मिल रही हैं बमा मेरी फैमिली की। अगर आप इसको गौर से देखना चाहते हैं तो देख लें। लेकिन सलमा यासीन ने जैसे ही हमने सऊदी अरेबिया आने का बोला, उन्होंने वीडियोस डिलीट कर दी हैं। सो अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है इसमें, और ऐसा होना भी चाहिए। हमें कोई खुशी नहीं है कि हम आपको गंदा करें, हम आपको डिफेम करें जैसा कि आपने सोचा था, कोई ऐसा इशू नहीं है। आपने वीडियोस डिलीट करके बहुत अच्छा काम किया, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं, मेरी पूरी टीम आपको इस बात पे अप्रिशिएट करती है। नाखन से ना, वो कहते हैं कि मांस से नाखन जुदा नहीं हो सकता, आप बहनें हो, एक ही माँ से हो, एक ही बाप से हो, आपका एक खून है। नजाकियाँ हो जाती हैं, इख्तलाफात हो जाते हैं, लेकिन फिर भी ख़ानदानों ने मिल के बैठना होता है, बहन भाई एक दूसरे को नहीं छोड़ सकते, गुड साइन जो हमने देखा। लेकिन प्लीज़ सलमा सिस्टर, अगर आप मेरी वीडियो देख रही हो तो काइंडली ये जो दलाल आगे पीछे भौंक रहे हैं, इनको बोलें कि जब भौंकना बंद कर दें तो अच्छी बात है, लेकिन अगर ये दलाल भौंकना बंद ना किए, ये बड़वे बोल इन्होंने भौंकना बंद ना किया, तो इनकी ऐसी माँ बहन अब एक की जाएगी, ऐसी इनकी माँ बहनें की जाएगी कि ये वाइटी छोड़ के भागेंगे। ये हम चैलेंज कर रहे हैं अब्दुल्ला रहमानी तुम्हें भी, और जोहा तुम्हें भी, और वो जो गंजी खुसरिया तुम्हें भी, और एक वो जो और बंदा है इमरान, अगर आप लोगों ने ये बकवास चाहा तो बंद रहना की, तो इसके बाद हमसे कोई अच्छे की उम्मीद आपने नहीं रखनी। हमने आपकी ऐसी उतारनी है, ऐसी उतारनी है कि आपको सलमा सितारा भूल जानी है, आपको मकेश और कुत्तार वाला काम याद आ जाना है, ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। जिनको शौक है पंगा लेने का वो बिल्कुल आए, और आप सलमा को छोड़ दो, सितारा को छोड़ दो, डायरेक्ट यू नो हमारे पिंग डाल लो आके, ठीक है, अच्छे झूले देंगे आपको, और इतने ज़बरदस्त झूले देंगे कि आपको ना ऐसी लोरी सुनाएंगे जहाज़ के ऊपर बिठा के, यानी ये वो जहाज़ नहीं है जिसकी आप सोच रहे हो, ये वो जहाज़ नहीं है जो मुल्क से बाहर जाता है, आप सिर्फ आपको इतना बता रहे हैं कि ये वो जहाज़ नहीं है जो मुल्क से बाहर जाता है, ये वो जहाज़ है जो अच्छे झूले मिलेंगे आपको, लोरियाँ भी आपको सुनाएंगे साथ साथ में, आपको नींद भी अच्छी आएगी, आपकी चैनल भी आपके अच्छे चमकेंगे, ज़बरदस्त किस्म के व्यूज़ आपको आएंगे, आ जाओ और डाल लो पिंगे जिन जिन ने डालनी है। सितारा तो आपको वैसे भी आप मुंह नहीं लगा रही, वो किसी को जवाब ही नहीं दे रही, हमें भी सितारा ने बोला कि जाहिद भाई छोड़ें, दफ़ा करें, अभी 2-4 कुत्ते हैं भौंक रहे हैं, भौंकने दें, ये भी जब भौंक भौंक के थक जाएंगे तो खामोश हो जाएंगे। हम भी टोटली अपने कॉन्टेंट की तरफ जा रहे हैं, अभी मैं थोड़ी देर तक उस्मान के साथ हूँ,
अभी हम अपने गांव जाएंगे, आपको अपना गांव दिखाऊंगा, अपना घर दिखाऊंगा, आपको अपने वालदा की जो है कब्रिस्तान वहां पर दिखाऊंगा, फातिहा पढ़ेंगे, इसके बाद हम इंशाल्लाह ताला आपको किला रतास दिखाएंगे। इस तरह के मुख्तलिफ कॉन्टेंट है, वो कॉमेडी कॉन्टेंट भी इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि आजकल में हम आपको वो भी एक अदा देंगे। अपना भाई गैंग वार की जो नेक्स्ट एपिसोड है जिसमें मेरा करेक्टर है, वो भी हम इंशाल्लाह ताला अपलोड कर देंगे, सुबह कर देंगे। तो ये चीज़ें लेके हम चलते रहेंगे, कंटेंट है इसके बाद और बहुत सी पाकिस्तान दिखाने वाला है। इंडिया का हमारा प्लान है कि हम इंडिया आएंगे, ठीक है। कंटेंट के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, आप भी इन्वेस्टमेंट करें थोड़ी सी कंटेंट के लिए, घर से बाहर निकलें, बौंकना छोड़ दें, अपना कंटेंट लेके आएँ ताकि आपको पता चले कि आप क्या हो, आपकी वर्थ क्या है, आपकी औकात क्या है। ये नहीं होता कि यूं करके मैं कौशल के वो एक मिनट का प्यार नहीं मिला, तुझे काफ़ी टाइम का प्यार मिला हुआ है, मुझे पता है तू अभी भी प्यार ढूंढ रही है, तेरा जो घर से तुझे प्यार मिला तो इससे मुतमिन नहीं है, हमें एहसास है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि उस्मान को भी मैंने प्रिपेयर किया कि चलो ओका सोका करके तुम्हें सच्चा प्यार मिल जाए, उम्मीद है इस उम्र में, तो कोशिश करेंगे कि आपको सच्चा प्यार मिले, असल वाला प्यार मिले, लोगों का प्यार नहीं। देख लो बच्चा भी पीछे से तुम्हारे के हाथ जोड़ गया कि मुझे तुम्हारा सच्चा प्यार नहीं चाहिए, मैं गुम नहीं होना लिहाजा नहीं नहीं तराक तराक है वो घूमने नहीं देगी तुम्हें, वो डुबकी मार के निकाल गया। अच्छा जी, मछलियों को गंदे मछुरे देने वाली औरत इंसान की बच्ची बन जा, अपना कंटेंट लेके आ। वो अपने खामद के साथ जो बैठ के ऊपर नहीं तुम उल्टी सीधी वीडियो बनाती थी, उल्टे हो गए कभी, पुठे हो गए कभी, सीधी हो गए, ऐसी वीडियो बना अच्छी रहेंगी। काफ़ी थरकी बाबे बैठे हुए हैं, वो यकीन कर आपको गौर से देखेंगे, उम्मीद है कि वो आपकी वीडियो 20-25-30 की मारेगी, और मैं भी कम्युनिटी लगा दिया करूँगा, जा मौज कर, जा जा तेरी कम्युनिटी भी लगाएंगे, मौज कर। इससे बड़ी ऑफर तुम्हें हम दे सकते हैं, इंसान बन, शर्म कर, हया कर। नहीं जी इंशाल्लाह अभी हम थोड़ी देर तक निकल रहे हैं गांव अपने, वो ब्लॉग जो है वो बाद में अपलोड करेंगे। अभी ये सलमा यासीन का थैंक यू करने के लिए हमने ब्लॉग बनाया कि उन्होंने वीडियोस लीड की और इस कंट्रोवर्सी को ख़त्म किया। आप लोग भी कोशिश कीजिएगा जितने हमारे सपोर्टर्स हैं सितारा यासीन के, कि वो भी नॉर्मल ब्लॉगिंग करें, छोड़ दें ये कंट्रोवर्सी ख़त्म हो चुकी है, इसको ख़त्म ही रहने दें, अपने अपने कॉन्टेंट लेके आए, इंशाल्लाह ताला मज़ा आएगा वाईटी पर रहने का, फैमिली एक बन गई है, लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमें देखना चाहते हैं, हमारी लाइफ देखना चाहते हैं, उसको देखते हैं, लोगों को दिखाते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा जी, पाकिस्तान जिंदा।